शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूल खोलने को लेकर कहा कि विभाग 1 जुलाई से नया सत्र शुरू करने को तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार ही स्कूलें खोली जाएंगी। शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। विभाग ने कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए नया सत्र शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है और इस दौरान मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने A1 TV से खास बातचीत की। कोरोना महामारी के चलते देश और दुनिया में लोगों के रहन सहन और कामकाज के तरीके में बदलाव आया है। वहीं शिक्षण प्रणाली में इस कोरोना को देखते हुए किस प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से। सर, नया सत्र कब से शुरू किया जा रहा है और क्या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं इस कोरोना के संक्रमण को देखते हुए? देखिए, जो कोरोना संक्रमण आया उसको सबको झंझोर के रख दिया इसने और हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हम जो हमारी मौजूदा प्रणाली है शिक्षा की उसमें परिवर्तन करें। और आपने देखा होगा कि जब कोरोना संक्रमण फैलने लगा तो हमारे विद्यालयों की छुट्टियां हो गई, परीक्षाएं आधी अधूरी रह गई, हम नहीं करा पाए, तो उसको देख करके हमने निर्णय लिया और शिक्षा विभाग ने स्माइल प्रोजेक्ट चालू किया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों और टीचर्स में हमने समन्वय स्थापित करके पढ़ाई कराने का काम किया। फिर हमने केंद्र सरकार से आकाशवाणी जो रेडियो का है, दूरदर्शन स्लॉट फ्री में लिया। फिर हमने दूरदर्शन का स्लॉट फ्री में 3 लाख रुपए कोई लगा के वो हमने लिया, बच्चों को भेजा। और ई कंटेंट्स हम तैयार करवा रहे हैं विभाग में कि आगे आने वाले समय में ईश्वर नहीं करें लेकिन इस तरह की आपत्ति आ जाए तो हम कैसे ठीक करेंगे। अभी जो स्कूलें खुलने की बात है, हमारा जो शैक्षिक कैलेंडर उसके मुताबिक 24 तारीख को विद्यालय खुलने और 1 तारीख से बच्चों का पढ़ने आना है, लेकिन चूंकि भारत सरकार ने भी इसमें गाइडलाइन जारी की है और उन्होंने कहा है कि हम जुलाई में इसके बारे में निर्णय करेंगे, तो मैं समझता हूँ भारत सरकार क्या निर्णय करती है उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात जाएगी। राज्य सरकार क्या निर्णय करती है उसके मुताबिक शिक्षा विभाग आगे के शैक्षिक कैलेंडर में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए तैयार है। अगर कोई आदेश जल्दी शुरू करने का आता है तो शिक्षा विभाग की पूरी तैयारी है? सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो 1 जुलाई से हमारे बच्चों को विद्यालय में बुलाने के लिए तैयार हैं, जैसे हर वर्ष की भांति हम तो तैयार हैं। अब हमें कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार रोके नहीं तो मैं समझता हूँ जो इस तरीके का अब जो वातावरण बना है, पता लग रहा है कि इसमें कोई ज़्यादा कोई डैमेजिंग नहीं है, तो कहीं अर्थव्यवस्था तो बैठ ही गई, कहीं बच्चों का भविष्य नहीं चौपट हो जाए, तो हम तैयार हैं लेकिन चूंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही हमें काम करना होगा। 13 जून से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा हो रही है, किस प्रकार 16 जून से किस प्रकार की तैयारी की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग पालना करते हुए, संक्रमण का खतरा नहीं हो और परीक्षाएं सही तरीके से हो जाए? निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने प्रस्ताव रखा, उन्होंने अनुमोदन दिया और 12वीं और 10वीं की जो बोर्ड की शेष परीक्षाएं थी उनको कराने का निर्णय हुआ और 18 जून से लेकर 30 जून तक हम लोग ये कराएंगे। जहाँ बच्चे जिस कक्षा में ज्यादा हैं, जिस पेपर को ज्यादा देने जा रहे हैं, उनके लिए और सेंटर बनाने की आवश्यकता होगी, हम और कर रहे हैं। पेपर दूसरे बनाने की बात आएगी तो हम पेपर दूसरे छपवा रहे हैं। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह की जहां व्यवस्था होगी वहां व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, बाकायदा स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की परीक्षाएं कराएंगे। इस कोरोना महामारी में शिक्षा विभाग के पास भले ही चुनौतियां आई हो, संक्रमण के चलते परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाई, उसके बावजूद भी विभाग एक नई पहल, एक अपना नया मिशन लेकर चल रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की। 88 नए ब्लॉकों में आपने शुरू करने जा रहे हो इस महामारी के दौर में भी एक नई पहल, ये कह सकते हैं हम शिक्षा विभाग की? देखिए, निश्चित रूप से ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इंग्लिश मीडियम में सब पढ़ना चाहते हैं, गरीब भी चाहता है, मेरा बेटा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो इसके लिए पहले किसी ने सोचा नहीं था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार ने ये सोचा और हमने पिछली बार 33 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर विद्यालय चालू किए थे, जिनमें लॉटरी से एडमिशन हमको देने पड़े थे। अब 134 मॉडल विवेकानंद स्कूलों को छोड़ करके हमने 167 स्कूलें जो बाकी ब्लॉक रह गए थे, जहाँ एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है, वहाँ पर विद्यालय खोला है, उसकी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, उन वहाँ के स्टाफ के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दिए, 1-2 स्कूल और रहे हैं जो 1-2 दिन में वो हो जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल डोटासरा जी आपसे, शिक्षा विभाग से हटकर राज्यसभा चुनाव 3 सीटों पर होने हैं, बीजेपी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं जबकि उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, वो दावा कर रहे हैं कि कई निर्दलीय विधायक हमारे संपर्क में हैं और कांग्रेस के जो मनमुटाव है उसका फायदा हमको मिले। पॉलिटिकल सवालों का जवाब जो पॉलिटिक्स करते हैं वो जानते हैं, वही दे पाएंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे दोनों उम्मीदवार 100% जीतेंगे
और कांग्रेस एकजुट है, बल्कि बीजेपी में दो फाड़ हैं जिसकी वजह से दो उम्मीदवार, एक का संख्या बल होते हुए भी दो उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए, एक केंद्र का उम्मीदवार हो गया, एक यहाँ वसुंधरा जी का उम्मीदवार हो गया, तो उनमें फूट है, हमें किसी तरह की कोई फूट नहीं है। तो यह है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिनका कहना है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से नया सत्र खोलने के लिए तैयार है और जल्द ही जो गाइडलाइन आएगी उनके अनुसार शिक्षा सत्र शुरू किया जाएगा और फिर से शिक्षा व्यवस्था पटरी पर रहेगी। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरुका, एवं टीवी जयपुर।